चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो गई है। कहते हैं नवरात्रि के साथ ही नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हुई। इसको लेकर जिले भर में उत्सव सा माहौल रहा। लोग हिंदू नववर्ष की शुरुआत अपने अपने तरीके से किए। इसी कड़ी में राघोपुर थाना क्षेत्र से सिमराही बाजार में लोगों ने देर शाम दीपोत्सव मनाया, जिसको लेकर मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने सिमराही बाजार के विभिन्न मंदिरों में दीप जलाकर नव वर्ष की शुरुआत की। इस दौरान राधा कृष्ण ठाकुर बारी भगवती मंदिर और बजरंगबली मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान हर उम्र के लोगों ने भाग लिया, जिसमें बच्चे बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हुए। लोगों ने मंदिरों में दीप जलाकर विश्व के मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी। और आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ है। आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर स्थानीय समाज नगर पंचायत सिमराही के द्वारा सिमराही राधा कृष्ण ठाकुर बारी और भगवती स्थान परिसर सिमराही बजरंगबली मंदिर परिसर सिमराही में दीपोत्सव महोत्सव मनाया गया। साथ ही आगामी 17-4-23 को रामनवमी महोत्सव जो आने वाला है, उस पर विचार विमर्श कर भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा विगत 22 तारीख को हुआ है, उस आलोक में भव्य रूप से मनाने का विचार किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी धर्म प्रेमी अपने पर्व को उत्साह और उल्लास के साथ सभी के सहयोग और समर्पण से मनाएंगे और प्यार का ज्योत जगाएंगे। जय श्री राम। आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप कुमार पूर्वे, घर सिमराही बाजार है और वर्तमान में व्यापार संघ का उपाध्यक्ष नगर पंचायत सिमराही हूँ। यह जो चैत्र का मास है वो हिंदू मान्यता के अनुसार जो हिंदू कैलेंडर होता है उसका पहला मास है। आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि मार्च क्लोजिंग करके लोग अप्रैल से नया सत्र चलाता है, चाहे वो बैंकिंग सत्र हो, शैक्षणिक संघ हो या किसी भी प्रकार का सत्र चलता है, तो वो मार्च में क्लोजिंग करके अप्रैल से नया सत्र को प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि जो आप वैदिक काल में देखेंगे तो नव वर्ष जो है वो इसी एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। इसी के शुभ अवसर पर हम लोग दीप जलाकर पूरे विश्व के मंगल कामना के लिए हमने भगवान से प्रार्थना किया। आपका परिचय? अमरजीत कुमार। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिहार और बंगाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी 24।